नमस्कार दोस्तों, आपको इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें कि मैं आपको स्टडी मटेरियल बताऊंगा, क्योंकि अभी की बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं और बच्चों का सर्वाधिक ध्यान उन कंपटीशन एग्जामों में चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक क्लियर कराऊंगा, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया एक टॉपिक जो कि बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध टॉपिक है, उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये केवल 5-10 मिनट की वीडियो होगी, आप शांति से कानों में एयरफोन लगाइए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान बोर्ड पे केंद्रित कीजिएगा, ठीक है गाइस? तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास में वैसे तो बाकी सारे बहुत सारे युद्ध हुए, पर एक जो मतलब युद्ध कहो या उससे घरेलू लड़ाई कहो, वह थी मतिरे की राड। मतिरे की, अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि यह राड शब्द क्या है। यह राड शब्द का अर्थ होता है युद्ध, जिसे अपने राजस्थानी भाषा में युद्ध या आपसी लड़ाई कह सकते हैं, बाकी इसका हिंदी अर्थ तो युद्ध ही होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने मतिरे की राड। तो मतिरे की राड में यह जो लड़ाई को या राड को या युद्ध को, यह लड़ाई हुई थी दो रियासतों के बीच में। जो पहली रियासत थी वह थी अपनी बीकानेर रियासत, और जो दूसरी रियासत थी वो थी नागौर रियासत। ठीक है, नागौर रियासत। बीकानेर, उस समय बीकानेर के जो राजा थे वह राजा थे राजा करण सिंह। ठीक है, और नागौर के शासक थे अमर सिंह। ठीक है, और जो ये इनकी बीकानेर रियासत और नागौर रियासत, ये इनके बीच में की कहो तो बॉर्डर या एक तरह की सीमा थी। इस पर वैसे तो काफ़ी सारी लड़ाई होती रहती थी, पर एक जो मुख्य लड़ाई हुई थी वह थी ये मतिरे की राड। कैसे मतिरे की राड हुआ यूँ था कि बीकानेर की जो सीमा थी, यहाँ पर एक मतलब एक खेत था। खेत में क्या हुआ कि यहाँ पर बीकानेर का जो किसान था उसने एक मतीरा मतीरा जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं तरबूज, तरबूज का पौधा यहाँ उगाया। ठीक है, तो जहां तो उगाया तो उसके फल यहाँ तो बहुत सारे फल लगे, बट एक फल लाके जाके लग गया नागौर रियासत में। नागौर रियासत में फल लगा तो यहाँ जो नागौर का जो किसान था वो उसने कहा कि ये फल भाई लगाया तुमने हो, बट लगा हमारे रियासत में, अब ये फल हमारा होगा। बस ये छोटी सी लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं, हम इसे एक छोटी सी राड कहेंगे। जो नागौर के किसान ने कहा कि ये फल हमारे रियासत में लगा, हमारी सीमा में लगा, तो अब ये फल हमारा है। और बीकानेर ने बताया कि ये फल आपके सीमा में जरूर लगाए, बट उगाए तो हमने था यहाँ का, इसकी जड़ तो हमारे रियासत में है भाई, तो ये पौधा तो हमारा हुआ। ठीक है, ये छोटी सी लड़ाई चली गई इन दोनों शासकों के पास। अब इन दोनों शासकों में छिड़ गया है कि भयंकर युद्ध। ठीक है गाइस, अमर सिंह और कर्ण सिंह, इन दोनों के बाद जब दोनों किसान, बीकानेर के किसान और नागौर के किसान, दोनों अपनी बातों को लेकर पहुंचे तो इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अब ये दोनों थे तो उस समय मुगल शासक के अधीन, मुगल शासक के अधीन, बट लड़ाई तो इनकी थी ये लड़ाई कि एक तरबूज के लिए इन्होंने अपना आपसी युद्ध घोषित कर दिया। और ये युद्ध काफी दिनों से चला, लगभग महीने 2 महीने युद्ध चला, और आखिर में जाकर इस युद्ध में तो बीकानेर का सेनापति था, उसका नाम था रामचंद्र मुखिया। इसने बीकानेरी सेना का नेतृत्व किया, और यहां से थे अपने सिंघवी सुखवाल, इन्होंने नागौर की सेना का नेतृत्व किया। ये युद्ध छिड़ा, काफी महीनों बड़ी युद्ध चला, और इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई उसमें हुई कि लगभग 1,000 सैनिक मारे गए। अब एक आप सोच सकते हैं कि एक तरबूज के लिए कई
तरबूज के लिए इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया दो रियासतों के मध्य, और लगभग 1,000 सैनिक, दोनों दोनों मतलब रियासतों के 1,000 के करीब सैनिक मारे गए। और अंतिम में जाकर निर्णय लिखा निकला कि ये नागौर ये युद्ध अपना हार गया, नागौर हारा, नागौर ये युद्ध हार गया, और अपने तरबूजे को बीकानेर वाले वापस लेकर यहाँ से चले गए। अपने तरबूज को उन्होंने कहा कि भाई हम तो युद्ध भी जीत गए, और अपना तरबूज वापस उन्होंने अपने बीकानेर रियासत की सीमा पर लगा दिया, और यहाँ से लेकर वापस चले गए बीकानेर, बीकानेर के शासक करण सिंह उन्होंने, और नागौर इस युद्ध में हारा गया। और ये इतनी छोटी सी लड़ाई जो हुई थी 1644 ईस्वी में, तारीख याद रखना गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तारीख 1644 से काफी एग्जाम में आती है तारीख, 1644 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, या उससे कहीं हम मतिरे की राड़ हुई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।